प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में जल चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। जल चिकित्सा में जल के विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं रोगों के लाभ के अनुसार। आज हम जल चिकित्सा में कटी स्नान के संबंध में चर्चा करेंगे। शरीर के सिर्फ मध्य भाग को स्नान कराने के कारण ही इसका नाम हिप बाथ या कटी स्नान है। पहले हम घर्षण कटी स्नान की चर्चा करेंगे। घर्षण कटी स्नान सुबह खाली पेट लेना सर्वोत्तम होता है, किंतु दिन के किसी अन्य समय लेने पर 4 से 5 घंटे का पेट खाली होना चाहिए। घर्षण कटी स्नान के लिए कटी स्नान के विशेषता बने टब में 1/4 भाग पानी भर लें। 1 ग्लास पानी पिलाकर निर्वस्त्र होकर मरीज को उसमें बैठने को कहें। तनाव मुक्त तथा शांत मन से टब में बैठने का निर्देश दें। सामने रखे स्टूल पर पैरों को आराम से रखा दें। एक मोटा तौलिया लेकर पेट को नाभि के नीचे कोमलता से घर्षण कराएं दाएं से बाएं की ओर। यह स्नान मरीज के लाभ के अनुसार कम से कम 3 मिनट से आरंभ करके अधिकतम 40 मिनट तक का हो सकता है। घर्षण कटी स्नान कब्ज तथा गैस में विशेष लाभकारी है। कमजोर पाचन तंत्र को सबल बनाता है, रक्त प्रवाह को नियमित करता है तथा नींद अच्छी लाने में विशेषता लाभ पहुंचाता है। अब हम गर्म ठंडा एक साथ लिए जाने वाले कटी स्नान की चर्चा करेंगे। गर्म ठंडा कटी स्नान, इसके लिए कटी स्नान के 2 टब लें, एक में शीतल जल दूसरे में गर्म जल जिसका तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट से 104 डिग्री फारेनहाइट तक हो, पर साथ ही साथ मरीज की क्षमता का भी ध्यान रखें। खाली पेट होना आवश्यक है। 1 ग्लास पानी पिलाकर निर्वस्त्र होकर गर्म पानी के टब में बिठा दें मरीज को। तनाव मुक्त रहने का निर्देश दें। पैरों को सामने रखे स्टूल पर रख लेने दें। 3 मिनट गर्म पानी के टब में बैठने के पश्चात ठंडे पानी के टब में बैठें 1 मिनट के लिए। यह 1 चक्र हुआ। इस प्रकार 4 चक्र करें। ध्यान रहे, हर चक्र के बाद गर्म पानी के टब में थोड़ा तेज गर्म पानी मिलाते रहें, जिससे उसका तापमान नियंत्रित रहे। 4 चक्र पूरे होने पर शीतल जल से संपूर्ण स्नान कर लें। यह शीतल जल का संपूर्ण स्नान लंबा नहीं होना चाहिए, 2 से 4 मिनट होना चाहिए। कटी स्नान करने से पूर्व इसमें रखी जाने वाली सावधानियों का विशेषता ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां अल्सर, मासिक ऋतुस्राव के समय कटी स्नान नहीं करना चाहिए। कटी स्नान मधुमेह, कब्ज व तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही उत्तम व लाभकारी प्रभाव डालता है। साथ ही पाचन तंत्र को सबल बनाता है। गैस, रक्तचाप, पेट के मोटापे, अनिद्रा व हृदय रोग में भी लाभ पहुंचाता है। मासिक धर्म संबंधी अनियमितता में लाभ देता है। पीलिया व रक्तचाप में भी लाभकारी होता है। अधिक लाभ के लिए गर्म पानी में देवदार व हेफ्लावर के चाट का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पेट के किसी घाव या ट्यूमर या तीव्र एसिडिटी होने पर अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से विशेष सलाह ले लें। स्लिप डिस्क के रोगियों को भी अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही इस स्नान का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।